उत्तराखंड का ये आईएएस अफसर वेश बदलकर जनता के बीच जाता था, जनता के सामने अंडरकवर रहकर दूर करता था परेशानियां, अपने इनोवेटिव आइडिया से सुलझाता था लोगों की दिक्कतें। इसलिए इसे उत्तराखंड में बेस्ट आईएएस अफसर कहा गया। अक्सर हमने किस्से कहानियों में ही ऐसी बातें पढ़ी हैं कि एक राजा था जो वेश बदलता था और जनता के बीच जाकर जनता की परेशानी सुनता था। वो कहानी एक राजा की थी और ये कहानी है उत्तराखंड के एक आईएएस अफसर की, आईएएस मंगेश घिल्डियाल। नाम तो सुना ही होगा आपने। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मंगेश घिल्डियाल जब जिलाधिकारी रहे तो जनता से जुड़े कई किस्से और कई कहानियां हैं जो सच में हमको उस राजा की ही कहानी याद दिलाती हैं जो भेष बदल कर जनता के बीच जाता था। क्योंकि मंगेश घिल्डियाल भी कुछ इसी तरह जनता के सामने आए बिना अंडर कवर होकर जनता की परेशानियों को दूर करते थे। साल 2019 आईएएस मंगेश घिल्डियाल को रुद्रप्रयाग जिले की कमान सौंपी गई थी। जून का महीना था और केदारनाथ यात्रा अपने पूरे रंग में थी। लाखों श्रद्धालुओं के आने के बीच जरूरी ये था कि व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। यात्रा के दौरान काफी शिकायतें आ रही थी, यात्रियों का रैला लगा था और व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ रही थी। ऐसे में डीएम मंगेश घिल्डियाल के सामने इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की चुनौती खड़ी हो गई। बस फिर क्या था, डीएम मंगेश घिल्डियाल ने कुर्ता पैजामा पहना, सिर पर टोपी डाली, आंखों में चश्मा पहना और मुंह में मास्क लगाकर चल पड़े जनता के बीच। सरकारी गाड़ी छोड़कर डीएम मंगेश 9 जून की रात को प्राइवेट वाहन से सोनप्रयाग पहुंचे। यहां से लोकल वाहन पकड़कर वो गौरीकुंड पहुंचे। देर रात 1 बजे डीएम मंगेश घिल्डियाल घोड़ा पड़ाव पर गए। सुरक्षा जवानों के अभाव में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। घोड़ा पड़ाव पर पुलिस होमगार्ड का कोई भी जवान नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान चौकी प्रभारी भी चौकी पर नहीं मिले। डीएम ने तत्काल चौकी प्रभारी को हटाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। शौचालयों में निरीक्षण किया तो पानी की आपूर्ति नहीं मिली। डीएम मंगेश ने सफाई सुपरवाइजर को हटाने के आदेश दिए। सुलभ इंटरनेशनल के खिलाफ 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। निरीक्षण के दौरान सेक्टर अधिकारी नदारद मिले। सेक्टर सब सेक्टर अधिकारी को गौरीकुंड की जिम्मेदारी से अवमुक्त किया गया। डीएम ने शटल सर्विस की चेकिंग की तो सिर्फ 1 होमगार्ड तैनात मिला। चौकी प्रभारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बहुत कम आईएएस अफसर ऐसे होते हैं जो ऐशो आराम एयर कंडीशन दफ्तरों से निकलकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं। आईएएस मंगेश घिल्डियाल जिस भी जिले में रहे वहां काम से पहले ऐशो आराम को एक तरफ रखा, जनता के बीच जाकर जनता की परेशानियां जानी, स्थानीय बोली भाषा में लोगों से संवाद कर उनके और ज्यादा करीब हुए। यही तो वजह है कि जिस भी जिले से उनका तबादला हुआ जनता की आंखों में आंसू आए, यहां तक कि जनता आंदोलन के लिए भी मजबूर हो गई। वास्तव में उत्तराखंड को ऐसे अफसरों पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।